हेलो फ्रेंड्स दिस इज चारू जैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी पी लर्नर्स सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर एग्जाम कल से डी पी फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू हैं पहला आप लोगों का ई का है तो आई होप सबकी तैयारी हो गई होगी तो ये कुछ ऐसे मैं दस पंद्रह पॉइंटर्स बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान में रखने हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन रहेंगे चाहे डी फर्स्ट ईयर के लिए हो चाहे सेकेंड ईयर के लिए हो या कोई भी टीचिंग का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो डी या डी उसके लिए सब कॉमन रहेंगे तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चीज़ समझेंगे कि जो आपका पेपर है वो लॉन्ग आता है यानी कि पेपर आपका लेंथी आता है तो सबसे पहला जो पॉइंटर है वो है आपका रीड द क्वेश्चन पेपर थरली आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है फाइव मिनट्स बेशक अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाओ बट अगर एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लोगे उसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे ना उसे करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आप लोगों को रीड करना है सेकेंड पॉइंटर पे अगर हम आए तो अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट आपको वैसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कैसे करना चाह रहा है ये पेपर लेकिन अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करोगे क्यों क्योंकि ये टेन मार्क्स के होते हैं तो इसमें ये स्कोरिंग होते हैं आप लोग मॉर्निंग में जैसे जाते हो फ्रेश फ्रेश तो टेन मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर दोगे ना तो आपके मार्क्स अच्छे से वहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे लेकिन जब आप पेपर देखे अगर आप वन मार्क टू मार्क फाइव मार्क वाले पहले कर लेते हो तो इन्हें करते ही, करते ही, थोड़े से हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम हाँ एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो टेन मार्क्स वाले के टाइम पे जब लिखने का टाइम आता है तो हमारे माइंड में कुछ इतना नहीं आता कंटेंट जितना हम अगर इन्हें पहले अटैम्प्ट करें तब आता है तो एज पर माई एडवाइस आपको लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए सो so दैट आपका पेपर एक अच्छा अच्छी तरह से हो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहोगे लेकिन अगर मेरे से पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं गिव आंसर्स इन पॉइंटर्स पॉइंटर्स या हेडिंग्स में आपको आंसर देना है कैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ के बारे में बताया तो पहले आप उनका इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल देना उसके बाद अगर आपने उनका रोल लिखा कि रोल ऑफ जॉन डुई इन एजुकेशन तो आप हेडिंग्स दोगे तो पॉइंटर्स में लिखो आंसर और हर जिसे आपने थोड़े से पॉइंट्स लिख दिए उसके बाद एक लाइन छोड़ो फिर लिखो फिर एक लाइन छोड़ो फिर लिखो थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर करके आप आंसर लिखोगे दैट विल लुक प्रेजेंटेबल वो प्रेजेंटेबल लगेगा आपको अच्छे से एग्जाम देना है राइट right, अब नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर है आपका मेक फ्लो चार्ट और डायग्राम्स आप डायग्राम्स अगर डायग्राम्स हैं तो बनाओ नहीं तो फ्लो चार्ट जैसे कि फ्लो चार्ट कैसे बनेगा अगर आपका क्वेश्चन है एडवांटेजेस के ऊपर आपको एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं तो आप पहले एक सर्कल बनाओ यहाँ पे एडवांटेजेस लिख दो जितने हैं दस हैं आठ हैं पाँच हैं सारे आपने यहाँ पे एडवांटेजेस लिख दिए इसके बाद वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करो तो ये होता है तरीका एक अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का इससे मार्क्स इजीली मिलते हैं टीचर को लगता है कि बच्चे को सब आता है तो पॉइंटर्स लिखोगे टीचर यहाँ से पॉइंटर पढ़ेगा और आपको डायरेक्टली मार्क्स दे देगा तो आपको पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट बनाने अब डायग्राम्स की बात करूँ तो ई में आपका एक टॉपिक है एम मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स तो जो मैंने वीडियो डाली हुई है पहले की उसमें भी मैंने छोटे छोटे से डायग्राम्स बनाए हुए हैं तो इस टाइप के डायग्राम के थ्रू अगर आप टीचर को अपना क्वेश्चन का आंसर समझाओगे तो भी वो अच्छा रहता है बहुत ईजीली टीचर मार्क्स दे देते हैं उसमें भी तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आपको जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन करोगे शॉर्ट के बाद आप वेरी शॉर्ट करोगे देन आप वन मार्क वाले करोगे ये मेरी एडवाइस है बाकी आपके ऊपर है आपकी स्पीड कैसी है या आपको अटेम्प्ट करना कैसे आता है आपके ऊपर है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं डिवाइड टाइम इक्वली अपने टाइम को ना इक्वली मैनेज करके चलना है आपका तीन घंटे का पेपर है आपको इन तीन घंटे में कैसे इसको पेपर को बहुत अच्छा बनाना है वो आपके ऊपर है बस आप अपनी वॉच जरूर लेकर जाइएगा एग्जाम में सो अपना टाइम देखो और अपने करते रहो। नंबर के मार्क्स के लाइक फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें तीन या साढ़े तीन पेज बस उतना लिखो उससे ज्यादा मत लिखना टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आपको और भी अटेम्प्ट करने हैं बात करू टेन मार्क्स वाले क्वेश्चन की तो जो आपका टेन मार्क्स वाला क्वेश्चन है आइडियल जो उसका वो होता है नॉर्मली फाइव पेजेस लिखते हैं तो फाइव पेजेस लिखो सफिश है नहीं आते फाइव पेजेस लिखने फोर लिख दो बट इतना तो लिखना है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आता है नहीं आता एक बार पढ़ो अंडरस्टैंडिंग बिठाओ कुछ भी समझ आ रहा है ना लिख दो एटलीस्ट अटेम्प्ट के थोड़े बहुत तो मार्क्स मिल ही जाते हैं तो अपने मार्क्स को इजीली लूज मत करना अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना हर क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पेपर की अंडरस्टैंडिंग बनाओ ध्यान से पढ़ो तो अपने आप सब कुछ लिखना आएगा सब कुछ इंटरलिंक करके चलो और ऐसा नहीं है कि ईसीसी का पेपर है तो सिर्फ ईसीसी में से आएगा आपके अदर सब्जेक्ट्स में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन इंटरलिंक्ड uh, होता हुआ आ सकता है तो अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड रखो कि कुछ भी आ सकता है जरूरी नहीं है सिर्फ ECC में से आएगा ओके okay? तो नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ बात करें तो नेक्स्ट पॉइंटर है आपका स्टार्ट विद कोटेशन और अ फ्रेज जो आपका आंसर है उसको कोटेशन से या फ्रेज से स्टार्ट करो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है एक एग्जामिनर पे सपोज आपका question है महात्मा गांधी जी के ऊपर तो आप इनकी कोई भी कोटेशन लिख सकते हो जैसे कि हमने जब मैंने महात्मा गांधी के बारे में अपलोड की थी तो मैंने उसमें भी आ, दो तीन कोटेशन दे रखी हैं तो आप वो वाली कोटेशन भी ऐड कर सकते हो या फिर जॉन डोई का है या फ्लोबल का है इनका किसी का भी है ना तो आपको एक कोटेशन से स्टार्ट करना है आंसर हर क्वेश्चन को क्वेश्चन के आंसर को कोटेशन से स्टार्ट करोगे तो अच्छा लगता है वो ब्लैक पेन से लिखना डोंट यूज टू मच पेन ज्यादा पेन मत यूज करना देखो क्या होता है हर एग्जामिनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कुछ एग्जामिनर्स बोलते हैं कि पेपर को कलरफुल बना दो कुछ बोलते हैं सिर्फ ब्लू पेन यूज करो कुछ बोलते हैं कि ब्लू ब्लैक यूज करो इवन जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं Uh, तो कलरफुल तो, तो बना दो हेडिंग को अंडरलाइन कर दो हाईलाइट कर दो राइट right? तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करो ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स ब्लू पेन फॉर आंसर कंटेंट बस इतना करो इससे ज्यादा कुछ मत करना नीट एंड क्लीन करो और लीव लाइन आफ्टर वन आंसर कोई भी आंसर लिखा एक या दो लाइन छोड़ दो या फिर एक सेपरेशन लाइन बना दो उससे भी इजीली डिस्टिंग हो जाता है कि आंसर खत्म हो चुका है एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैसे आपकी शीट है शीट के यहाँ लास्ट में पीटी को लिख देना अगर नेक्स्ट पेज पे भी आंसर लिखा है ताकि कभी कभी क्या होता है कि पेज नहीं टर्न करते लास्ट शीट वाला कि नहीं लिखा होगा आप पीटीओ लिख देना सो so एग्जामिनर जो है कभी कभी एग्जामिनर्स भी कुछ पानी वगैरह पी रहे होते हैं गिर जाता है शीट पे तो वो आपका फॉल्ट नहीं है लेकिन आपकी शीट खराब हो गई तो इस वजह से बॉल पेन्स यूज करना एक अच्छा पेन पेंसिल्स एडमिट कार्ड और वाटर बॉटल लेकर जाना सो दैट टाइम वेस्ट ना हो किसी से पानी मांगने में किसी से पेन मांगने में अपने पास सब कुछ रखो एक वॉच अपनी वॉच जरूर पहन के जाना सो so दैट आपको टाइम का एक अंदाजा रहे कि क्या टाइम एक्चुअली हो रहा है आप कैसे पेपर कर रहे हो राइट right? तो ये कुछ सिंपल पॉइंटर्स थे आई होप मैंने सारे क्लियर uh, कर दिए हैं सारे कवर कर लिए हैं तो आप लोग जो है अपना पेपर अच्छे से देकर आइए उसके बाद हम यू की तैयारी करते हैं कल से प्रॉपर एक रिविजन सेशन डाल दिया करूँगी बाकी चलिए ऑल द बेस्ट बाय